आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चारा घोटाला के दोषी लालू यादव को आज दोपहर 12 बजे सुनाई जाएगी सजा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विशाखापट्टनम में आज करेंगे नौसैनिक बेड़े की समीक्षा। नौसेना के जहाज और वायुसेना का दिखेगा जलवा। पीएम मोदी ने कोरोना संक्रमित हुए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के लिए की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। जयशंकर की 3 दिवसीय फ्रांस यात्रा शुरू। इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ के मिस्र मंच में लेंगे भाग। सीएम चंदी पर भड़के कैप्टन, कहा मेरे कार्यों का क्रेडिट चुरा रहे, सिद्धू को बताया नकारा। नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत रविवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड में किसानों से कहा कि यहां भी एमएसपी पर खरीदारी नहीं होती है। पहाड़ का जो किसान है उसको जंगली जानवरों से भी नुकसान होता है, पानी का प्रबंध नहीं है, फसलें यहाँ भी कम रेट पर बेचनी पड़ती है। वही राकेश टिकैत ने कहा कि मंडी की जिम्मेदारी भी सरकार की है, उससे यहाँ के किसानों को फायदा हो सकता है चुनाव में उत्तराखंड। वही राकेश टिकैत ने कहा कि कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और कहीं ना कहीं किसान भी चाहता है कि बदलाव हो और एक नई सरकार आए जो किसानों के हित में बात करे। चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे, कई पार्टियां चुनाव लड़ रही है, वहाँ किसी एक उसका नहीं है और सबके अब अपनी विचारधारा पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पे एक दूसरे को तो भाई राज्यसभा दे देते तो वो बढ़िया आदमी था, राज्यसभा नहीं दी तो भाई एलिगेशन लगा देते हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है और वहाँ पे क्षेत्र वाइज अलग अलग इशू वहाँ पे रहते हैं, तो ये है कि जनता तो नाराज है इनसे, अगर फेयर चुनाव हो जाएंगे तो इनको नुकसान बहुत होगा। क्या बदलाव होगा भाई? बदलाव को तो पता नहीं, तो जनता के हाथ में, बदलाव तो होगा नहीं होगा इसका तो इतने बड़े उसका कौन कह सकता। उत्तराखंड में चुनाव खत्म होने पर जहां सभी दलों के प्रत्याशी हार जीत के गुड़ा गणित में जुटे हैं, वहीं पुलिस प्रशासन मतगणना के बाद लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने पर ध्यान दे रही है। चुनाव समाप्त होने के बाद पुलिस ने मतगणना के लिए सुरक्षा का खाका तैयार कर लिया है। जिले भर में पुलिस फोर्स बढ़ाई जाएगी। DIG नीलेश आनंद भरने ने बताया कि विजय जुलूस निकालने से पहले जीते हुए विधायक को पुलिस हर हाल में अनुमति लेनी होगी। आगे उन्होंने बताया कि सभी शहरों के चप्पे चप्पे पर पुलिस रहेगी, हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड परीक्षार्थियों की नामावली का संशोधन इस बार पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। उत्तराखंड विद्यालय परीक्षा शिक्षा परिषद ने प्रत्येक बोर्ड के विद्यालयों को विभागीय पोर्टल में नामावली संशोधित करने के लिए ID और पासवर्ड भेज दिए हैं। उत्तराखंड बोर्ड द्वारा अगले महीने 28 मार्च से हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा प्रस्तावित है। परीक्षार्थियों के नाम, माता पिता के नाम, विषय, कोड, जन्मतिथि में शुद्धि ना हो इसके लिए परीक्षार्थियों की नामावली परिषद द्वारा विद्यार्थियों को चेक करने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है, ताकि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की समस्या सामने ना आए। खबर कलियर से है, जहां पर पंजाब के जायरीनों ने दरगाह साबिक पार्क में करीब 8 किलो चांदी से बना झूमर पेश किया और देश में खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ भी मांगी। झूमर को शाह यावर मियां के नेतृत्व में दरगाह साबिर पार्क में पेश किया गया। वहीं अशोक अरोड़ा ने बताया कि दरबार में उनकी गहरी आस्था है।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से निपटने के बाद अब यहां के भाजपा नेता उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटेंगे। इस कड़ी में प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार की अगुवाई में 70 सदस्यीय दल सोमवार को लखनऊ के लिए रवाना होंगे। दल में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अलावा 5 विधायक और 2 पूर्व विधायक भी शामिल रहेंगे। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी बतौर स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार के लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। उनके कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी भी उत्तर प्रदेश में लगाई जाएगी। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट बदलने लगा है। रविवार को मैदानी इलाकों में धूप खिली रही, जबकि पर्वतीय इलाकों में बादल मंडराने लगे हैं और चार धाम समेत तमाम चोटियों पर हिमपात हुआ। इससे प्रदेश भर में ठिठुरन लौट आई है। राज्य मैदान विभाग केंद्र के अनुसार मंगलवार और बुधवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में हल्का हिमपात और मैदानों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ज्यादातर इलाकों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है। विकासनगर में ड्रोन तकनीक का सफल परीक्षण पर प्रदर्शन किया गया है। इस मौके पर ढकरानी कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों के साथ स्थानीय काश्तकार भी मौजूद रहे। ढकरानी वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. शर्मा ने बताया कि कृषि ड्रोन तकनीक से उत्तराखंड में भी कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। कृषि वैज्ञानिक अशोक कुमार शर्मा ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं कृषि ड्रोन तकनीक के बारे में अशोक कुमार शर्मा ने क्या कुछ कहा। कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए यहाँ पर ड्रोन का वो किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है। ड्रोन से तकनीकी कृषि क्षेत्र को संभव बनाने के लिए यहाँ पे आज विकासनगर ढकरानी केंद्र में एक ड्रोन लाया गया है और देखा जा रहा है कि ड्रोन जो है कैसे कृषि क्षेत्र काश्तकारों की जो समस्या है उसको सुलभ करेगी। यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे प्रभारी हैं, ये उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ड्रोन है ये कितनी क्या काश्तकारों की जो जीवनचर्या है, काश्तकारी है, कितने सुलभ कर पाएगा ये ड्रोन, बताइए सर क्या ये ड्रोन कितना लाभदायक है। नमस्कार किसान भाइयों, आज कृषि विज्ञान केंद्र परिसर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है और ये ड्रोन हमारे जो परंपरागत हमारी जो खेती है उसमें किसी तरह से इसकी भूमिका रहने वाली है, इस विषय पे विस्तृत चर्चा भी हुई और इस तरह के यंत्र का यहाँ पे प्रदर्शन भी हुआ। तो कितना लाभदायक होता है सर ड्रोन? ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये उन किसानों के लिए, उन काश्तकारों के लिए बहुत उपयोगी है जिनके बड़े बड़े बाग हैं, या उन किसानों के लिए अच्छा है जिनके सेब के बाग है, और उन किसानों के लिए जिनके पास शुगर के जो फसल बहुत ऊंची होती है, जहाँ पे आप किसी भी बीमारी को और किसी भी कीड़े मकोड़ों को रोकथाम के लिए आप पे बहुत मुश्किल आती है, ऐसी परिस्थिति में इन ड्रोन का इस्तेमाल बहुत उपयोगी पाया गया है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्रांति आई? और इससे हमें जो मुख्यतः आसानी ये रहेगी कि जो हमारी फिक्स कॉस्ट है, भारत सरकार के द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत ये संस्थागत किसी भी एक संस्था को एक ड्रोन दे दिया जाएगा जिसको कस्टम हायर बेसिस पे किसानों को 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए दिया जाएगा। और इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बिजली से और बैटरी से चलने वाला यंत्र है और इसको एक आदमी ऑपरेट करता है और लगभग इसमें 15 लीटर की एक टंकी रहती है और 1/2 घंटे के लिए ड्रोन उड़ता है और ये हमारा लगभग जो तो ये 1 एकड़ से 2 एकड़ एरिया के लिए या 3 एकड़ एरिया के लिए भी कई बार ये बड़े माइन्यूट पार्टिकल से इसका स्प्रे होता है, इसका स्प्रे जो तो हमारा ज़्यादा एरिया के लिए इसके एकरेज रहती है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और भविष्य में इसको प्रैक्टिकल रूप को देखना भी जो अनिवार्य है, अभी तो ये संस्थागत चीज़ें हैं, इसको प्रैक्टिकल फील्ड पे इसके बहुत सारे पहले भी कई तरह के प्रदर्शन हुए हैं जिसमें हमें आशातीत परिणाम आए हैं और इसी चीज़ को देखते हुए इस चीज़ का विस्तृत प्रचार प्रसार हो रहा है। और इस टेक्नोलॉजी को, ये बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है, निश्चित रूप से महंगी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसको आसान करने के लिए इसको कस्टम हायर बेसिस पे संस्था का दिया जा रहा है और किसानों की लेबर जो छिड़काव की होती है उस पर आपको निश्चित रूप से हमें इसमें लेबर जो तो सस्ता बैठेगा। सचमुच उत्तराखंड क्षेत्र में या पर्वतीय हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, काश्तकारी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में एक क्रांति आएगी। अब देखना है कि जो ड्रोन यहाँ पर लाया जा रहा है उसकी तकनीकी कैसे जो है सक्षम होती है, कैसे सफल होती है, कैसे कृषि क्षेत्र में क्रांति लाती है, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा।
उत्तराखंड से प्राइम टीवी न्यूज चैनल हेड विनोद ओथाण की ये रिपोर्ट। विकासनगर पछुआदून क्षेत्र में आए दिन यमुना नदी तट से खनन सामग्री की चोरी के मामले सामने आते रहते हैं। इस बार विकासनगर के डाक पत्थर बैराज नावघाट डकरानी ढालीपुर क्षेत्र में गढ़वाल मंडल द्वारा आवंटित खनन पट्टों पर खनन संचालकों सरकार की राजस्व में बढ़ोतरी के लिए खनन सामग्री पर रेट तय किए गए हैं। पहले खनन सामग्री रवाना रेट 1500 रुपए प्रति चक्कर ट्रैक्टर था और अब ट्रक 3300 रुपए प्रति चक्कर बेच रहे हैं, लेकिन अब पट्टा संचालकों ने 900 रुपए प्रति ट्रैक्टर और 3000 रुपए खनन सामग्री से लदे ट्रक पर प्रति राउंड रेट तय कर दिया है। पूरे मामले में खनन से जुड़े व्यवसायियों का कहना है कि रेट तय होने से सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी और खनन व्यवसायी भी इस रेट से खुश हैं। ये घाट खुला है नौ घाट पे, इनके पांच घाट खुले हैं पूरी नदी के, गढ़वाल निगम के जो है घाट खुले हुए हैं। अब यहाँ पे काम हुआ था, पहले करते थे 1500 का रवाना, फिर 600 का, अब इन्होंने एक सार कर दिया सारा कि 900 रुपये का रवाना दे रहे हैं। अच्छा। कोई भी ट्रैक्टर गाड़ी बिना रवाने के नहीं निकल रहा है यहाँ से ना। अच्छा। अगर ये करते भी ऐसा कुछ है, गड़बड़ करते हैं, तो हम तो उस प्रशासन के पास भी जाएंगे, मीडिया के माध्यम से बात करेंगे। अभी तक तो फिलहाल ठीक है। यहाँ पर पहले 1500 और 600 रुपये का रवाना देते थे, पहले राउंड का 1500 का देते, दूसरे राउंड का 600 का, अब इन्होंने इक्वल करके 900 रुपये पर राउंड पर रवाना देते हैं। यहाँ पे 300 रुपये टन है रवाना, ट्रैक्टर का रवाना 900 रुपये पर राउंड का रवाना कटता है यहाँ पे। पहले भी ऐसे ही था, रवाना कटाते थे पहले, पर महंगा था रवाना, 1500 का रवाना था। अच्छा, अब कितना है? टनकपुर के मनिहार गोट गांव में खनिज भंडारण का विरोध कर रहे ग्रामीणों का आंदोलन खत्म हो गया है। खनिज भंडारण का काम आबादी रहित क्षेत्र में चल रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को सड़क पार करते समय किसी अनहोनी का डर बना रहता है। ग्रामीणों ने खनिज भंडारण के कार्य पर नाराजगी व्यक्त की है। मौके पर पहुंचे SDM हिमांशु कफलटिया ने ग्रामीणों और खनन व्यवसायियों से बात करके दोनों का समझौता कराया। आज सुबह अभी आधे घंटे पहले SDM सर आए थे, तो हमारी यही बात हुई, हम लोगों ने भी गांव वालों ने ये डिसाइड किया कि एक टाइम से ये लोग डालें, जैसे सुबह 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक है, धूल कम होनी चाहिए, आवाज़ कम होनी चाहिए, थोड़ा बच्चों को जो है पढ़ने के लिए डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी SDM सर से बात हुई है, तो SDM सर ने यही बोला है कि ये जो आपके हिसाब से जो आपने बोला है वो उसी तरीके से ये लोग काम करेंगे। सेकंड थिंग, सारी की सारी चीज़ें हमें जो है रिटर्न में दी जाएगी, और नेक्स्ट जो है इनका जो है ये टाइम मई तक इनके पास है। मई के बाद जो है सर ने ये बोला है कि जब न्यूज़पेपर में आता है आगे रिन्यूअल के लिए, अगर आप उस टाइम पे एक्शन लेते हैं तो हम इसको रुकवाने की कोशिश करेंगे। लक्सर में चुनावी भागदौड़ से निपटने के बाद प्रशासन ने स्वामित्व योजना पर दोबारा से काम करना शुरू कर दिया है। चुनाव के दौरान 2 महीने से योजना का काम ठप था। तहसीलदार मुकेश चंद्र रमोला ने लेखपालों की बैठक को लेकर योजना के तीसरे चरण में अभी तक किए गए सर्वे की समीक्षा की है। उन्होंने मार्च के आखिरी सप्ताह तक सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।